तो दोस्तों आज के दिन देखेंगे कक्षा 9वीं परीक्षा 2019-20 संस्कृत सामान्य का जो आंसर की किस प्रकार से आपका पेपर था और क्या क्या था इसका सही आंसर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें सही विकल्प पूछा गया जिसमें पूछा गया था कि देवदारियम यथाश्री पता संधि अस्थि। तो देखिए देवदारियम में वृद्धि संधि है और आपको पता होगी इसकी वृद्धि संधि क्यों है, क्योंकि देखिए वो में डबल ओ की मात्रा लगी हुई है ना, ओ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। ठीक है, राजधन ऋषि बहुत ही राजधन ऋषि बनता है राजश्री बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला महोत्सव यथाश्री पता संधि विच्छेद अस्थि, तो महाधन उत्सव उसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पूछा गया दीर्घ संधि उदाहरण अस्थि, तो कपीस जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपको अगला पूछा गया था इसी में, देखिए अधोलिखित अव्यय नास्ति, इसमें से कौन जो अव्यय नहीं है, तो देखिए यत्र जो है अव्यय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प सही होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है खींच सकते हैं। अगला आपका उचित विकल्प चितवा, तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्थि, तो दीनदानम इसका जो है उदाहरण है। बाणहत यथाश्री पद समास विग्रह अस्थि, तो बाणेन हत इसका समास विग्रह आ जाएगा आपका। महापुरुष यथाश्री पद समास अस्थि, कर्मधारय समास महापुरुष समास है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला है अधोलिखित पदेषु उपसर्गयुक्त पद लिखा था अनुभव बहुत ही, यहाँ पर जो उपसर्गयुक्त पद है और यथाश्री पद है उपसर्ग नास्ति, तो अव जो है इसमें उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग अस्थि। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है तव यथाश्री वचन अस्थि, तो इसमें जो है कोई भी वचन नहीं है। ठीक है, तो तव में जो है कोई भी वचन नहीं है। अगला आपका सेवते यथाश्री पद पुरुष अस्थि, तो इसमें जो आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा। अगला आपका गच्छेद यथाश्री पद धातु अस्थि, तो गच्छेद में जो आपकी गम धातु आ जाएगी। पठामी यथाश्री पद लकार अस्थि, तो इसमें लट लकार आ जाएगा आपका। और अध्य रेवासरा अस्थि, तो वाक्य में अव्यय, तो इसमें अध्यय आ जाएगा आपका। यहाँ पर मैं बात करूँ पहले से विकल्प की, तो इसमें मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मुझे तो इसमें एक वचन लग रहा है और नहीं भी लग रहा है कि इसमें वचन है ही नहीं। तो ऐसा तो पहली बार आया, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इसमें क्या आ सकता है दोनों में से। ठीक है, चौथा सही विकल्प आपका उचित विकल्प चितवा, सेवमान यथाश्री पद प्रत्यय अस्थि, शाणत प्रत्यय है यहाँ पर आपका। अगला कतवा प्रत्यय से उदाहरण अस्थि, क्रीडित्वा कतवा प्रत्यय का उदाहरण है। पादंतुमुन बहुत ही, तो पातुम इसका जो उदाहरण है। सह ध्यान कृत्वा पाठ पठती, तो यहाँ पर कृत्वा इसका उदाहरण है। योग कौशलम, तो कर्मसु योग कौशलम। ठीक है, योग कर्मसु कौशलम। अब देख लेते हैं स्थान हमारी, सुकर्मा महान भक्त आसित, तो सुकर्मा महान पितृभक्त दे। आरुणी भक्त आसित, तो आरुणी जो है गुरु के भक्त दे। व्यवहारें जायंते रिप्रोस्तर, तो यहाँ पर मित्राणी आएगी आपका। तेन निर्गुण भवंती दोषा, तो प्राप्य और देहस्य सारह व्रत धारणम च, इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला देखिए प्रश्न छठवा, भारत माता के वंदिता, तो हर्ष बोझ शिवराज वंदिता देहस्य सार किम व्रत धारणम। ये देखिए आपका यहाँ पर रिक्त स्थान में भी ये जो पूछा गया है। ठीक है, देहस्य सार व्रत धारणम, तो यही पे आपका बन रहा था। अगला युक्तेन प्राणायाम की बहुत ही सर्व रोग क्षण, ये आपकी इसमें पूछा गया सहजोड़ी में। हितोपदेश रचनाकार का नारायण पंडित थे, और दशरथ किमर्थ वन गत्वा, तो रमेश जो दशरथ था वो वन में क्यों गया था, तो इसका आपको बताना है क्यों गया था, तो बहुत ही सरल है इसका भी। अगला है राम तृतीया भवति, तो राम की तृतीय विभक्ति बन जाएगी आपके रामेण रामाभ्याम रामे। गुरु की षष्ठी विभक्ति गुरु गुरु गुरुना, मति की मति 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 है, भवत की भवतः भवतो भवताम, इस प्रकार से आपका बनेगा। अस्मद युष्मद भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, देख लेते, और बाकी पैसेज भी आपको कभी सभी सरल आए थे गद्यांश पद्यांश भी। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर जो अच्छा गया होगा। अगला यहाँ पर देखिए आपको एक पैसेज में आया था आपका देहस्य पद विभक्ति से षष्ठी विभक्ति देहस्य में। ठीक है, यहाँ पर हमारी रिक्ति सही जोड़ी देख लेते हैं। विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा पंचतत्र के रचनाकार है। तृतीय रोग क्षय आ जाएगा इसका। पर तपस्वी गंगा तीर जप के लिए गया था प्राणायाम नारजित पुण्य, इस प्रकार से आपका बनेगा। आमन देख लीजिए, आमन में आपका दुर्जना संग करनी है, तो नहीं दुर्जन का हमें संग नहीं करना है। बाल चिक्से साहु के स क्रीडंती, यहाँ पर आपका आम लग जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, दोनों आपके आम आम रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना था, कोई भी चार लिखना था, यहाँ पर आप पाँच देकर रखे थे। ठीक है, अब एक पदेन में देख लीजिए आप, पहले में विद्या आ जाएगा, दूसरे में तमसा नदी तीर सर्वदमन। ठीक है, दीर्घ क्रम ने मर जाए मृत्यु, तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वीडियो में नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा बने, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगला गणेश नमः, तो गणेश का गणेशाय नमः। मया मोदकम रोचन्ते, तो मया मोदकम रोचते। अहम विद्यार्थी गच्छति, तो अहम विद्यालय गच्छामि। सह पाठ पठति, तो सह पाठ पठति। आशुतोष मित्र सह गच्छति, तो आशुतोष मित्रेण सह गच्छति। और सैनिक अश्व पठति, तो सैनिक अश्वात् पठति, इस प्रकार से इसका आएगा। आप कथाक्रम देख लीजिए, तीसरे नंबर वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, आपका उसके बाद में आपका पांचवे नंबर वाला आएगा, उसके बाद में जो है आपका चौथे नंबर वाला आ जाएगा, उसके बाद में दूसरे नंबर वाला, और फिर पहले नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार से आपका कथाक्रम बनेगा। और 18वां आपको एक गद्यांश पूछा गया था, तो देख लीजिए इसके आंसर। शीर्षक आ जाएगा दुखानम मूल कारणम अज्ञानम या अज्ञानम, दोनों ने आपने लिखा होगा मूल कारणम अज्ञानम, अज्ञानात
ठीक है, और यहाँ पर हिंसा भ्रष्ट नारद और सच्चा ब्रह्मवेद, ठीक है, इस प्रकार सबका बनेगा सज्जा होवेद। और निबंध भी काफ़ी सरल आए थे, विद्या धेनु मम पाठशाला उद्यानम। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 9वीं का पेपर था, तो पेपर आपके समाप्त हो चुके हैं। और अगर एक वेबसाइट का मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिससे जो आप अपनी छुट्टियाँ भी आपको लग चुकी है, तो अगर आपके पास कोई भी आपके क्लास के 9th के अगर पुराने पेपर है तो आप उस वेबसाइट पर जो है दे सकते हैं, जिससे आपको जो है 10-20 रुपये आपके पेटीएम में मिल जाएंगे। उस वेबसाइट को बारे में मैंने जिस वीडियो में बताया, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।